का SMU में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी एक बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसके ऊपर रिसर्च भी करते रहते हैं और जगह जगह जाके उन कार्यक्रमों को भी आयोजन करते हैं जहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात होती है। सुरेंद्र जी आपके SMU में स्वागत है। जय भीम। थैंक यू सर। सुरेंद्र जी एक बात बताइए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतनी खूबसूरत संविधान की रचना करी और उसके बावजूद भी बहुजन समाज को आज तक न्याय नहीं मिल पाया, तो क्या उसकी वजह है वो बताएं। सर इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है, बाबा साहब ने 26 जनवरी 1949 को एक बात कही थी कि हम एक ऐसे विरोधाभास के युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर एक व्यक्ति और एक वोट ये दोनों तो बराबर होंगे, राजनीतिक रूप से तो समान होगा लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से वह समान नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पर देखा राजनीतिक रूप से समानता मिले लेकिन सामाजिक जो आर्थिक वैमनस्यता जो खाई बढ़ती जा रही है और उसके पीछे और बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि किसी भी देश का संविधान अच्छा तब है जब उसको चलाने वाले वहाँ के व्यक्ति जो शासक है वो अच्छे हों। अगर उस देश के शासन चलाने वाले अच्छे ना हो तो वो संविधान बेकार हो जाएगा। अगर संविधान कितना भी ख़राब क्यों ना हो, अगर उसके चलाने वाले अच्छे हों तो वह संविधान अच्छा होगा। इतना जैसा कि आपने कहा कि एक बेहतरीन संविधान बाबा साहब और पूरे साथी पूरी टीम संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया लेकिन उसके बावजूद उसका वर्तमान में नियमन नहीं हो पा रहा, लागू नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से समाज में दुर्दशा होती जा रही है। सुनिए जी बात और बताइए कि अभी 2 अप्रैल इसके अंदर संविधान अगस्त में चलाएगा ना। अगस्त तारीख कौन सी तारीख? 9 अगस्त 2 और 9 बजे का हो गया चालू है। सुरेंद्र जी एक बात बताइए, अभी पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास दिल्ली के अंदर 9 अगस्त को एक संविधान को जलाया गया था और आज तक भी वो संविधान के उनको पकड़ा नहीं गया है और आज हम लोग संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं तो क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? इतनी स्ट्रिक्ट संविधान होने के बावजूद भी क्या इतना कैजुअल संविधान है कि उसको कोई भी जला दे और उसकी पकड़ाई भी ना हो? सर मैंने अभी आपको एक बात जवाब दी कि जब तक संविधान हमारा बहुत मजबूत है बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ पे वर्तमान समय में एक ऐसी सरकार आ चुकी है जो संविधान विरोधी है, जो संविधान को दिल से मानती नहीं है, दिखावे के तौर पे सब कुछ कहती है तो वो उसके अंदर संविधान पालन करने की क्षमता ही नहीं है तो वो और उन्होंने ऐसी सह दे रखी है तभी उन्होंने जो आज भारतीय संविधान की प्रतियों को जलाने की हिम्मत हुई है। भारतीय संविधान के तहत या ये कानून ये एक प्रावधान है जो संविधान की विरोध करता है और उसको जलाता है, 3 साल की सजा का प्रावधान है। अगर उसका पालन नहीं हो रहा तो हमारे जो शासन करता है ये उनकी कमी है, उनके दिमाग की कमी है उनके और ये जो उनका दोहरा रवैया है कि जिस संविधान के तहत वो संसद में प्रवेश लेते हैं और शासन को चलाते हैं लेकिन उस संविधान का सम्मान नहीं करें तो ये उनकी संविधान के प्रति अपमान की भावना है जो क्योंकि वह भारतीय संविधान ही वो मनुस्मृति को अपने अंदर रखे हुए उनके अंदर तक घुसा हुआ है, मनुस्मृति के सम्मान की कोशिश करते हैं इसलिए उन्होंने भारतीय संविधान के प्रतियां जलाने के बावजूद अगर उनके नीति इनके दोहरी मानसिकता है और गलत मानसिकता का प्रतीक है ये। सुरेंद्र जी एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी शिक्षक भी परेशान है और स्टूडेंट भी परेशान है शिक्षा को लेकर, तो क्या रीज़न है कि सब लोग परेशान क्यों हैं? सर इसके पीछे मैं आप बताऊँ कि भारत के जो भारत सरकार है वो शिक्षा में बहुत तेज़ी से उसने कटौती करी और जो भारतीय शिक्षा का बजट है पूरी दुनिया के अंदर ये देखा जाए तो बहुत जो जिन्हें हम कहते हैं भारत से भी नीचे अविकसित देश हैं, भारत से भी कमज़ोर थे उनका भी शिक्षा का बजट 6 से 15% है 10% लेकिन हमारा जो शिक्षा का बजट अभी कुछ सालों में 1.5% तक था और मुझे लग रहा है कि शायद अब शिक्षा का बजट और कम हो गया है क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो सरकार है वो चाहती ही नहीं है कि यहाँ पे जो व्यक्ति शिक्षित हो क्योंकि बाबा साहब ने सबसे पहले फोकस ही किया था शिक्षित बनो क्योंकि अगर इंसान शिक्षित बन जाएगा तो अपने अधिकारों की बात करने लगे अपने अधिकार और अब संघर्ष की बात करें और जो ये समाज और ये सरकार चाहते नहीं है क्योंकि इनकी पहले से ही मंशा रही है मनुस्मृति लागू करने का, मनुस्मृति पहला ही काम है कि इनको शिक्षा जितना दूर किया जाए तो इनके जो सबसे बड़ा अटैक किया जा रहा है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो आपको अपने सारे अधिकार देती है और क्योंकि बाबा साहब ने खुद कहा कि शिक्षा शेरनी का मह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा तो इनकी कोशिश है उस शेरनी का मह दूध ही एक तरफ हटाने की कोशिश करेंगे, ना लोग शिक्षा का ग्रहण करेंगे ना मजबूत होंगे ना दहाड़ेंगे तो इनकी पहली मंशा है कि जितना भी संस्थाने हैं सरकारी संस्थाएँ शैक्षिक संस्थाएँ इंस्टीट्यूट है सबको ख़त्म करने का प्रयास है। UGC ख़त्म किया जा रहा है और अभी यहाँ पर स्कॉलरशिप जो मिलती थी यूनिवर्सिटी के अंदर उसे ख़त्म किया जा रहा है, RGNF 3 साल पहले बंद कर दिया गई और भी ऐसे कई स्कॉलरशिप हैं जो कि शिक्षा में विद्यार्थियों को रिसर्च करने के लिए मौके देती थी उन सबको बंद नहीं करेंगे। इनके पीछे सब एक मंशा है कि वापस में हम एक ऐसा युग लाएँ जहाँ पर ये कुछ लोग कुछ परिवार पढ़ा के जैसे मठाधीश क्योंकि पहले एक वर्ग नाम नहीं लेना चाहूँगा एक विशेष अधिकार सिर्फ एक ही वर्ग को पढ़ने का अधिकार था ये वही
मनुस्मृति का युग लाना चाहते हैं और सिर्फ एक ही वर्ग को पढ़ने का अवसर प्रदान करने की कोशिश की जा रही है, दूसरे वर्ग से दूर रहे, इसलिए इनका सबसे बड़ा प्रहार शिक्षा पर हो रहा है। बेटा बंद कर, ओके चलूँ, एक हाथ आगे लगा ले भाई, हिलना नहीं चाहिए, तुम्हारी सांसें भी कम चलनी चाहिए जरा रिकॉर्डिंग करते वक्त। सुरेंद्र जी एक बात बताएं, चलूँ आगे आ जाओ थोड़ा सा और। सुरेंद्र जी एक बात और बताएं कि कुछ लोग इस देश को मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं और कुछ लोग संविधान से चलाना चाहते हैं, तो क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों में, मनुस्मृति से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए देश? देखिए सर, संविधान का मतलब है संविधान, एक ऐसा विधान जो सभी व्यक्तियों के हकों की बात करता है, सभी, चाहे उसमें किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म समुदाय। तो जो संविधान का मतलब है संविधान, प्रत्येक के लिए विधान। लेकिन जो मनुस्मृति था वो एक विशेष अधिकार सिर्फ एक या दो वर्गों के लिए ही वह विधान था, उसके अंदर उन्हीं के लिए विशेष अधिकार थे, पढ़ने के अवसर थे, आगे बढ़ने के अवसर थे, और उसके अलावा उन संगठनों के द्वारा, उन वर्गों के अलावा सभी जो उनके अन्य जिन्हें सूत्र कहा जाता है उनको सिर्फ सेवा करने का अधिकार था। तो मनुस्मृति अगर आती है तो सिर्फ 15% व्यक्ति को ही आगे बढ़ने का अवसर रहेंगे, और वही वो वर्तमान में चाहते हैं कि 15% और, ताकि वो यहाँ पे 85% पे कब्जा करें। तो मनुस्मृति यही है, यहाँ पे कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों की बात करता है, लेकिन जो भारतीय संविधान है ये समस्त वर्गों की बात करता है। तो मुझे लगता है, और मुझे क्या पूरी दुनिया को लगता है कि जो भारतीय संविधान भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और ये, और इसके मैं देख रहा हूँ कि भारतीय संविधान को कई देशों ने फॉलो भी किया है और उसका आधार लेकर अपने देश के अंदर संविधान का निर्माण भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है मनुस्मृति को तो पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया है। अगर मनुस्मृति इतनी अच्छी होती तो रसिया कई जगह इसको आप ले भी नहीं आ सकते, दिखा भी नहीं सकते। तो भारतीय संविधान में आधार है जो सबके लिए है, तो भारतीय संविधान जैसा मैंने कि सबके लिए मौका देता है और वो गिने चुने हैं, तो हमारा जो प्रयास है सबके लिए होना चाहिए। तो भारतीय संविधान सबका संविधान है। आपके सुरेंद्र जी जो स्कॉलर हैं बहुत अच्छे, और बाबा साहब की बातों को बहुत अच्छे से रखते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया मनुस्मृति और संविधान के बारे में क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के। अगर मनुस्मृति रहती है तो सिर्फ 2% या 15% के लोगों को ही उसका फ़ायदा मिलेगा, और संविधान रहता है तो 100% लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा, इक्वलाइजेशन मिलेगी, महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। ऐसे में से बात करने के लिए सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, जय भीम, नमस्कार।